गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है मैं भौतिक विज्ञान में आपको विद्युत विभव विभवांतर में डेफिनेशन लिखवाया था। अब आते हैं मेन भौतिक विज्ञान में ओम का नियम। ओम का नियम एक नया टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ये नियम क्या है, पहले इस नियम को किसने बनाया। महान भौतिकी वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में वैद्युत धारा से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। फिर समझिए, भौतिक वैज्ञानिक जो हैं सर साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में वैद्युत धारा से संबंधित एक नियम बनाया था जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में विशेषकर भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, तो भौतिक अवस्था कौन कौन है, ताप है, दाब है और सांद्रता में परिवर्तन न हो, तो उस परिपथ में धारा स्मॉल I के कारण उत्पन्न विभवांतर उस परिपथ के धारा स्मॉल I के सदैव क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात वैद्युत विभवांतर भी प्रोपोर्शनल वैद्युत धारा स्मॉल I, ठीक है, या भी प्रोपोर्शनल I या भी इक्वल टू I इंटू R, जहां R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, या R बराबर V बटे I, ठीक है। किसी कोई समस्या होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको। और उसके बाद देखिए बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कि वैद्युत प्रतिरोध यहाँ आया है ना, जहाँ एक प्रतिरोध है R, वैद्युत प्रतिरोध का डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हों, तो चालक प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ आया, यानी किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो वही हमारा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अथवा में हम मैथमेटिकल भी दे सकते हैं, अथवा में यहाँ देखिए लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के वैद्युत विभवांतर व धारा के अनुक्रमानुपात के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना, भी बटे आई है, तो मतलब भी क्या है, विभवांतर, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर बटे वैद्युत धारा। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूले पर निकालेंगे। वी नो डेट आप जानते हो आर बराबर वी बटे आई होता है, अभी जस्ट इसके पहले आप जाने हो यहाँ पर, ठीक है। अभी ये देखिए आर मैंने प्रतिरोध का मात्रक, वी का मात्रक बटे आई का मात्रक, तो इसलिए आर का मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या उसे हम कहेंगे ओम, उसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ओम, एक ओम बर, तो एक ओम जो होगा एक वोल्ट प्रति एक एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, एक ओम बराबर एक वोल्ट बटे एक एम्पियर। एक ओम की परिभाषा हम दे देते हैं, डिफिनेशन ऑफ एक वन ओम। देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक का विभवांतर एक वोल्ट हो जाए, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, एक ओम का होगा। याद रखिएगा, यदि किसी चालक में हम एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उस का विभवांतर एक वोल्ट हो जाए, या उस चालक का विभवांतर एक वोल्ट हो जाए, तो परिपथ का प्रतिरोध एक ओम होगा, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, अब देखिए डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है बच्चों, याद रखिएगा, चालक की लंबाई स्मॉल एल, चालक के क्षेत्रफल कैपिटल ए, चालक के पदार्थ, याद रखिए चालक का पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल को मिलाकर ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला चालक की लंबाई स्मॉल एल, वैद्युत प्रतिरोध आर उस चालक की लंबाई स्मॉल एल के
सदैव अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल। प्रतिरोध जो होता है उस लंबाई क्या होता है अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर एक। दूसरा, चालक की क्षेत्रफल, ए वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर उस चालक के क्षेत्रफल कैपिटल ए के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा, तो आर प्रोपोर्शनल एक बटे ए, समीकरण नंबर दो। तीसरा देखिए, चालक के पदार्थ पर किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ, पदार्थ में सबने बताया अभी जस्ट आपको, पदार्थ में लंबाई और क्षेत्रफल दोनों आता है, तो लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। समीकरण एक और समीकरण दो से देखिए, दोनों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड आर आर है, तो यहाँ देखिए कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए आएगा, आएगा ना, तो यह हो जाएगा आर बराबर, जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ एक नियतांक आता है वो रो होगा, क्या होगा रो, तो रो आर इक्वल बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या देखिए रो इक्वल टू आर गुड़े ए बाई एल, ठीक है। अब यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल सकते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालते हैं, वी नो डैट अभी हमने जाना रो इक्वल टू आर गुड़े ए बाई एल, रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर का मात्रक गुड़े ए का मात्रक गुड़े बटे एल का मात्रक, रो का मात्रक आर का मात्रक क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और एल का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर और एक मीटर कट जाएगा तो रो का मात्रक कितना हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। अगर किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीज करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बच्चों, ठीक है, गुड बाय।